एंड सुबह का टाइम बिल्कुल श्रीनगर साफ, यहाँ पे कोई भी नहीं है. एंड दिस इज हाउ अमेजिंग द रोड लुक्स. और अब हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप डलवाने, सॉरी पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल पंप. एट दिस मोमेंट अभी मैं चला रहा हूँ डल लेक के साथ में गाड़ी. एंड आपको डल लेक दिखाता हूँ. दिस इज हाउ डल लेक लुक्स. एंड सुबह बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, बिल्कुल खाली है, मैं अकेला ही हूँ जो घूम रहा हूँ. एंड आई एम लविंग इट. दिस इज द ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट, नो टूरिस्ट. नहीं होने चाहिए, कभी कभी होने चाहिए, हर टाइम नहीं होने चाहिए तंग करने के लिए. नहीं यार आओ मजाक कर, आप सबको आना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन की तरह यहाँ पे आके, क्योंकि कल मैं बस में चढ़ा था तो लोग लिटरली इतनी जन्नत में आके एंड इतनी ब्यूटीफुल प्लेस में भी आके लिकर वगैरह का कंज्यूमशन करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है इनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे माहौल में. इतनी अच्छी जगह पर आप आए और ऐसी हरकतें देखने को मिलती है ना जब. See how amazing this looks. Oh my goodness. Oh, मैंने ऐसी जगह यार आज तक नहीं देखी है. Oh. मौसम बिल्कुल सूदिंग है और ऐसा कोई ठंड वगैरह तो नहीं लग रही है, पर आप व्यू देखो यार. You will fall in love. Woo! हेलो एंड व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक. और आज मैं फाइनली सुबह सुबह उठ के एक भैया मिल गए, तो स्पेशली डल लेक में शिकारा में मैं पहुंच गया. एंड अभी हूं मैं डल लेक की सबसे पुरानी लेक में, सबसे पुरानी जो मार्केट है यहां पे 150 इयर्स ओल्ड. और ये देखो यहां पे ये लेक के ऊपर ही इन्होंने पूरी ग्रोसरी शॉप बनाई हुई है. और यहाँ पे जितना भी ट्रैवल का सोर्स है सिर्फ एक ही है, यहाँ से आपको वाटर की तरफ से आपको जाना पड़ेगा. और मैं कहता हूँ अगर आप कहीं भी गए हो ना तो आप एक बार यहाँ जरूर विजिट करना, और आपको इसकी जैसी जगह कहीं भी नहीं मिलेगी. यहाँ पे मार्केट्स वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ. अच्छा ये नीचे नहीं लेके जाता पूरा. और ये देखिए अभी मैं एक खतरनाक सी चीज ट्राई करने जा रहा हूँ. ये है जैसे डल लेक है, ये यहाँ पे लोटस वगैरह, ये किसी की प्राइवेट लैंड है. एंड ये जितना सा पैसेज का रास्ता रखा है ये उतना ही है. और ये देखिए ये जो ये एक तरह का जो फ्लोटिंग जैसे बोलते हैं ना हमारे वहां पे सब्जी उगाने के एरिया वगैरह, ये वैसा ही है. ये देखो अब मैं इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ पैर. गया गया। कोई बात नहीं, आप नीचे आओ, ये जाऊंगा पीछे पीछे. छोड़ो छोड़ो इसका छोड़ो. आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे चलिए देंगे यार, आगे आगे चलो. अच्छा आगे आगे जाना पड़ेगा, अच्छा ये नीचे भी जाता आराम. अगर एक ही जगह पे रहेंगे ना ये नीचे जाएंगे. अच्छा 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 लैंड, फ्लोटिंग लैंड लगा. ये देखो सब्जी उगाते हैं. ओ ये देखो मैं पानी में तैर रहा है. ये पूरी नीचे जा रही है. और ये आस्ता आस्ता नीचे भी जाता है. ये देखो अब जैसे मैं एक जगह पर जाऊंगा ये आस्ता आस्ता नीचे भी दबेगा. और यार ये पूरा का पूरा वैसे ही है. मुझे भी एक मिनट बनाना यार, ये इसको पकड़ो मैं दिखाता हूँ. मैं इधर उधर जाऊंगा, जाऊंगा. हाँ जाओ 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 आगे जाना. और ये देखो यहाँ पे बल्ब वगैरह पड़ रहा है. और ये देखो ये फ्लोटिंग लैंड और ये नाश्ता भी है. यार ये क्या सही है. और ये रहा लोटस, अगर इसमें जाने की कोशिश मत कर रहा है, ये नीचे जाओगे पूरा डूब जाओगे. तो अभी हम चलते हैं वापस क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा ले लिया है.
हम ये वापस भाई ये देखने में बहुत आसान लगता है ऐसा नहीं है और हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है ऑन दिस वे अभी मैं नहीं सीख रहा हूँ और मुझे ट्रक मुझे लग रहा है हम इस कीचड़ के अंदर घुसेंगे राइट लेफ्ट 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 तो अभी मैं हूँ कश्मीर का लड़का डल्ले में रहता हूँ मेरा जमीन पे घर है यहाँ तो ये आए हैं वसीम भैया ये घूमने आए हुए हैं यहाँ पे लेक में तो इनको मैं घुमा रहा हूँ यहाँ अब ये बीच में अब आराम से चला सकता हूँ ऐसे सीधी के लिए काउंट करो काउंट 1 2 3 1 2 3 अच्छा 3 इसे जल्दी सीखेंगे 1 2 3 काउंट अच्छा 1 यस 2 3 मार ठीक रहा हूँ या पूरा अंदर डालना होता है या और आपको नजर भी नहीं रखना है पानी में आपको आगे रखना है नजर जैसे बाइक पे रखते हैं आपने बहुत अच्छा चलाया देखो कहाँ से हम आया था वहाँ से गुड मुझे लग रहा था उसी सांस से कितना अच्छा लग रहा है और ये यार क्रेजी एक्सपीरियंस है यार का सब अब वसीम भाई के पास जरूर आना है ये आपको खुद सिखाएंगे एंड ये खुद भी एथलीट है ये सब चीजें ये खुद भी करते हैं यहाँ ये जो लड़का है क्या टैलेंट है इसमें यार हर कोई चीज 2 मिनट में सीखते हैं वैसे बंदा मुझे बहुत पसंद है मोचे वाली है यार मैं भी मोचे वाली हूँ राइट जोर से राइट हाँ जोर से इधर चलो शाबाश इससे चलाओ ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं हाँ शुक्रिया भाई जान शुक्रिया गुड वैसे डायरेक्शन आ गई मिला लेकिन आपने बहुत अच्छा चलाया मुझे नहीं लग रहा था यार आपने इसे कभी चलाया है मैंने नहीं चलाया है इसको लेकिन जोर से वहां तक नहीं होना चाहिए जोर से गुड लेफ्ट 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 अच्छा ये टक्कर खाने से पहले इधर आराम से लेफ्ट 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 कवर है लाइगी गुड लेफ्ट लेफ्ट ऐसा मत मारो सीधा सीधा मारो सीधा सीधा यहाँ पे भी जाम लग गया है और इधर अभी हम रीच करेंगे सीधे बोट से शिकारा से हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉप पे यार ये कुछ अलग तरह की दुनिया है यार कसम से जम्मू में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बाय करने के लिए भी आपके पास बोट होनी चाहिए अपनी एक हमारा कहवा दे दो सवाल वालेकुम भैया कहवा इन शिकारा फ्रंट ऑफ डल लेक एंड सी How beautiful this is! I am totally amazed, yaar. ठहराव जैसी फीलिंग है मतलब कुछ पता नहीं लगता कि जैसे जम्मू में पूरा टाइम रोड्स पे या भी कुछ अजीब तरह की फीलिंग है जैसे कि यहाँ पे लोकल लोग जैसे इनकी सिस्टर्स वगैरह जितने भी हैं सब इसी ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे वहाँ स्कूटी या बाइक लेते हैं अपने लिए स्पेशल पैसेंजर जाने के लिए यहाँ पे सबके पास एक छोटी वाली बोट होती है जिसमें सब लोग ट्रैवल करते हैं एंड आई फील ये टोटली ब्लेस्ड लोग हैं और सिर्फ विंटर में ये बोल रहे हैं ये पूरी की पूरी लेक फ्रीज्ड होती है यहाँ पे फुटबॉल वगैरह सब कुछ खेलते हैं तो मुझे लगता है सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है पर ये जगह आने लायक है एंड आई होप आपको ये जो टूर था मेरा यहाँ का एंड हाउस बोट्स वगैरह यहाँ पे अच्छा लगेगा एंड 360 व्यू ऑफ दिस प्लेस